In that series, we have already studied about the respiratory system, the circulatory system, the excretory system. And now today it's time to study everything about the locomotory system of the human body. तो तुम अभी दो मिनट बाद यहाँ वीडियो को पॉज करके उठ के भागने जाओगे और अपना फोन चेक करोगे. तो तुम ये जो भाग के जा रहे हो, चल फिर पा रहे हो, डांस कर पा रहे हो, साइकिलिंग कर पा रहे हो, वॉक कर पा रहे हो, स्विमिंग कर पा रहे हो, सब कुछ कर पा रहे हो, तो क्यों कर पा रहे हो? हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर एकदम ऐसा है. मेरे इतने दो हाथ आपको दिखते हैं, दो पैर दिखते हैं, एक बढ़िया सा ये वाला स्ट्रक्चर दिखता है, देन मेरा फेस दिखता है जिसको आप देखते रहते हो. तो भाई क्या है ये? हाउ आर वी डिज़ाइंड? हम बने कैसे हैं? हमारा स्ट्रक्चर ऐसा कैसा है? एंड देन स्ट्रक्चर तो ठीक है, जैसा है तो है. हम मूव कैसे कर पाते हैं? हम इधर उधर इतनी चला फिरी, भागा दौड़ी, कूदा कादी, वो अलग बात है तुम नहीं करते हो, तुम बैठ के फ़ोन चलाते रहते हो, लेकिन कभी कभी तो चलना ही पड़ता होगा, डांस भी करना पड़ता होगा. अभी कुछ तो भी गणेश उत्सव आएगा या कुछ भी आएगा, तो उसमें लेट लेट के जो तुम डांस करोगे, तो भाई करते तो हो ना. सो हमारी बॉडी के ये जो लोकोमोटरी सिस्टम है, ये किस तरीके से काम करके हमको लोकोमोशन एंड मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, यही सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सारी बोन्स, सारी मसल्स के बारे में बहुत कुछ सीखोगे, नया नया बढ़िया चैप्टर है, मज़ा आएगा पढ़ने में. तो बिना देरी करे शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं पार्ट वन, दैट इज लोकोमोशन एंड टाइप्स ऑफ मूवमेंट. अब आधों को तो चैप्टर का नाम सुन के यही लग रहा होगा कि भाई लोकोमोशन भी वही होता है, मूवमेंट भी वही होता है, फिर ये चैप्टर का नाम लोकोमोशन एंड मूवमेंट क्यों है? क्योंकि लोकोमोशन एंड मूवमेंट अलग अलग चीज़ होती हैं. क्या अलग होता है? चलो देखते हैं क्या अलग होता है. लोकोमोशन इज अ वॉलेंट्री मूवमेंट रिजल्टिंग इन चेंज इन लोकेशन, एंड ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन. अब क्या मतलब है भाई इसका? और यहाँ से कुछ लोग ऐसे भागते हुए अभी अभी निकल गए, ये जब तक लाइन मैंने पढ़ के ख़त्म करी, यहाँ से कुछ ग्रीन कलर के लोग भाग गए. अब देखो क्या डिफरेंस है इन लोकोमोशन एंड इन मूवमेंट. मेरा मूवमेंट तो अभी भी चल ही रहा है ना, मैं इतने ज़्यादा हाथों का मूवमेंट करती हूँ, ऐसे 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 वैसे, बस डांस नहीं करती मैं. और अगर तुम मुझे 1.5x या 2x पे देखते हो, तो मैं तुम्हें ऑलमोस्ट डांस करती हुई दिखती होंगी, बिकॉज ये जो मैं मूवमेंट कर रही हूँ, द हैंड्स आर मूविंग कंस्टेंटली. लेकिन क्या मेरी पोजीशन चेंज हुई अभी इन सारे मूवमेंट्स में? नो, आई वॉज जस्ट मूविंग माई हैंड्स, आई वॉज जस्ट मूविंग माई हैंड्स. सो एनी मूवमेंट इज जस्ट द, मतलब क्या हो रहा है, जिसमें मस्कुलर एक्टिविटी इन्वॉल्व हुई बट पोजीशन चेंज नहीं हुई. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो अगर मैं बिना पोजीशन को चेंज करे हुए कुछ भी एक्शन करती हूँ, इट इज़ मूवमेंट, इट इज़ मूवमेंट, इट इज़ मूवमेंट. लेकिन डिफरेंस क्या है लोकोमोशन और मूवमेंट में? लोकोमोशन एक ऐसा मूवमेंट है, मूवमेंट के अंदर ही आता है लोकोमोशन. लोकोमोशन एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें आपकी पोजीशन भी चेंज हो जाए. अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैंने ये मूवमेंट किया और मैं अब यहाँ आके खड़ी हो गई. सो दिस इज़ लोकोमोशन. अब मैं सिर्फ इसको मूवमेंट नहीं बोल सकती, दिस इज़ लोकोमोशन बिकॉज आई एम चेंजिंग माई पोजिशन. मैं अभी उस साइड थी, लेफ्ट साइड थी, अब मैं राइट साइड आके खड़ी हो गई हूँ. सो दिस इज़ लोकोमोशन. तो आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए बिटवीन लोकोमोशन एंड द मूवमेंट. सो लोकोमोशन इज द वॉलेंट्री मूवमेंट्स ही होते हैं, रिजल्टिंग इन अ चेंज ऑफ पोजिशन. अगर पोजिशन चेंज हो रही है तो इट इज़ लोकोमोशन. सिंपली बिना पोजिशन चेंज के हुए कुछ भी चल रहा है, कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, लेकिन आपकी पोजिशन वही की वही है, तो इट इज़ मूवमेंट. तो अब उसके बाद ही सेकेंड लाइन पढ़ो, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन. मैं अभी भी ये कर रही हूँ, लो मैं अब डांस करके दिखा देती हूँ, काले चश्मे वाली स्टेप, ऐसे 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 वाली, कुछ भी सैटरडे सैटरडे ऐसे ऐसे वाली स्टेप. तो ये सब क्या है? ये सब मेरे मूवमेंट हैं, बट इसको आप लोकोमोशन नहीं बोलोगे बिकॉज माई पोजिशन इज़ नॉट चेंज. सो ये वाली स्टेटमेंट जस्टिफाई हो गया, ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन. अभी मैंने मूवमेंट करे मैंने अभी, लेकिन मेरी पोजिशन चेंज नहीं हुई. बट ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट. अब मैं कहीं भी चल के जा रही हूँ, मैं कोई सा भी लोकोमोशन कर रही हूँ, तो ये मूवमेंट डेफिनेटली होगा. तो ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, बिना मूवमेंट के लोकोमोशन हो ही नहीं सकता. ठीक है, तो मूवमेंट बड़ा टर्म है, लोकोमोशन तो उसके अंदर ही आता है. ठीक है, तो कोई भी लोकोमोशन बिना मूवमेंट के नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर मूवमेंट में लोकोमोशन इन्वॉल्व हो.
तो मूवमेंट इज एनीथिंग वो को, जो कोई भी एक्शन है विदाउट चेंज ऑफ पोजीशन, बट लोकोमोशन इज द मूवमेंट इन विच देयर इज चेंज इन पोजीशन. तो चैप्टर का नाम समझ आ गया सबको, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, पक्का. तो चलो अब चैप्टर का नाम समझ में आ गया है तो कुछ और बातें डिस्कस करते हैं, जैसे कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट आर इंटरलिंक्ड. एग्जाम्पल, इन पैरामीशियम सीलिया हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफैरिंग्स एंड इन लोकोमोशन. अब अगर हम बात करते हैं तो लोकोमोशन और मूवमेंट इंटरलिंक्ड ही होगा सॉर्ट ऑफ, क्योंकि बिना मूवमेंट के लोकोमोशन नहीं हो सकता. तो अब जैसे अगर बात की गई है सबसे पहले पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम में क्या होता है, पैरामीशियम में लोकोमोशन के लिए इधर उधर चलने फिरने के लिए सीलिया प्रेजेंट होते हैं. ये जो आपको फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर द सीलिया. सो पैरामीशियम में प्रेजेंट होते हैं सीलिया जो उसको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं और उसको अपनी लोकेशन चेंज करने में हेल्प करते हैं. ओके, और अगर हम बात करते हैं हाइड्रा में, तो हाइड्रा में क्या होते हैं, हाइड्रा हैज टेंटेकल्स टू कैप्चर प्रे एंड फॉर लोकोमोशन. तो सीधी सी बात हमें ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है कि चाहे ऑर्गेनिज्म छोटा हो चाहे ऑर्गेनिज्म बड़ा हो, सबके अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ ऑर्गन्स होते हैं. तो हाइड्रा कुछ इस टाइप का दिखता है और उसमें प्रेजेंट होते हैं टेंटेकल्स दैट आर यूज फॉर द मूवमेंट. देन लिम्स हैव टू चेंज बॉडी पोस्चर एंड फॉर लोकोमोशन. तो भाई आपने हाइड्रा का पढ़ लिया, पैरामीशियम का पढ़ लिया, अब अपना भी तो पढ़ लो. अगर हम हायर मैमल्स की बात करते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, हायर मैमल्स क्या होता है, अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म्स की बात करते हैं तो हायर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं लिम्ब्स, द अपर लिम्ब्स एंड द लोअर लिम्ब्स. पैरों को बोला जाता है लोअर लिम्ब्स और हाथों को बोला जाता है अपर लिम्ब्स. तो अपर लिम्ब्स एंड लोअर लिम्ब्स आर यूज टू मूव, मूव करने के लिए हम लोग अपनी बॉडी में लिम्ब्स को यूज करते हैं. तो मतलब इन शॉर्ट लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए भाई ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर वेरी कर सकता है. अगर हायर ऑर्गेनिज्म है तो लिम्ब्स होंगे, लोअर ऑर्गेनिज्म होगा तो सीलिया, फ्लैजिला, टेंटेकल्स, इन सब के थ्रू मूवमेंट करेगा. लेकिन मूवमेंट करेगा ज़रूर, ओके, अगर वो एनिमल है. जनरली बहुत ही लेस एनिमल्स ऐसे होते हैं जो जिसमें मोटिलिटी या जिनमें लोकोमोशन की एबिलिटी नहीं होती है. नहीं तो ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स के पास ये एबिलिटी है टू मूव, टू चेंज देयर पोजिशन और टू डू लोकोमोशन. Okay, so let's see the different types of movement that occur in our human body. तो अभी आपको सिर्फ ये लगा होगा कि हम तो भाई पैरों से चलते हैं, मतलब हमारे में तो सिर्फ limbs के through movement होता है. लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी body की हर cell, हर organ तो नहीं, हर cell movement कर रही है. तो भाई cell कैसे movement कर पा रही है, चलो देख लेते हैं. सबसे पहले type का movement जो हमारी body में होता है, it is amoeboid movement. Now what do you understand by amoeboid? सबने अमीबा देखा है, अमीबा ऐसा होता है गंदा सा, यूं ये लो बन गया अमीबा, ये हो गया अमीबा. अब अमीबा का खाना यहाँ पे था, ये था अमीबा का फूड. तो अमीबा कैसे चलता है, अमीबा जस्ट प्रोजेक्ट्स आउट फॉल्स लेग. अमीबा ऐसे करके अपनी बॉडी में साइटोप्लाज्म को थोड़ा सा एक्सटेंड करता है और ऐसे फुट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, फुट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है. तो ये जो फॉल्स फुट लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं अमीबा की बॉडी में, इसे हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज सूडोपोडिया. सूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट, एंड पोडिया मीन्स फीट. तो अमीबा क्या बनाता है, अमीबा फॉर्म सूडोपोडिया फॉर मूवमेंट. तो वैसे ऐसे ऐसे करके अपने साइटोप्लाज्म को क्या करता है, एक्सटेंड करता जाता है एंड जस्ट मूव टू गेट थ्रू इज फूड. Now, by pseudopodia formed by streaming of the protoplasm, protoplasm को stream करके वो form करता है pseudopodia. तो cytoskeleton elements like microfilaments also help for this. और जो cells होती हैं, अब जैसे अगर हम amoeba की बात करें, वो नहीं तो हमारी body की कई सारी cells ऐसा movement show करती हैं जिसको हम बोलते हैं amoeboidal movement. और वो कौन कौन सी cells हैं, like the macrophages and the leukocyte. तो बॉडी में कुछ ऐसी सेल्स हैं, जैसे कि WBCs जनरली बात करें तो क्या होता है, कोई भी अगर बॉडी में बैक्टीरिया एंटर हुआ, आप जानते हो, तो जो WBC होती है वो बॉडी की सोल्जर होती हैं. सोल्जर होने के खातिर उन्हें क्या करना पड़ता है, सोल्जर होने के खातिर भाई अगर कोई भी बैक्टीरिया बॉडी में आया तो भाई उनको जाके ख़त्म करना पड़ता है. अब वो ख़त्म कैसे करेंगी, तो वो ख़त्म करती हैं कुछ इस तरीके से. जैसे ही सपोज़ उन्हें कोई बैक्टीरिया यहाँ पर दिखा, तो दिस WBC जस्ट गो एंड दे कैसे मूव कर पा रही है, बाय प्रोजेक्टिंग ऑन द फॉल्स फीट सूडोपोडिया, एंड ये सारे बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेती हैं. सारे बैक्टीरिया को क्या करती हैं, इनगल्फ कर लेती हैं. सो अमीबॉइडल मूवमेंट इन आर बॉडी इज शोन बाय सम मैक्रोफेजेस एंड सम ल्यूकोसाइट्स.
और ये कैसे करती हैं, साइटोस्केलेटल एलिमेंट जो इन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, आपने साइटोस्केलेटल एलिमेंट के बारे में पढ़ा है सेल वाले चैप्टर में, तो दिस साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेल, सेल को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है ओके क्लियर. चलिए सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट दैट अकर इन आर बॉडी इज द सीलियरी मूवमेंट. कौन सा मूवमेंट? सीलियरी मूवमेंट. क्या खासियत है भाई सीलियरी मूवमेंट की? सीलियरी मूवमेंट जो होता है इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ सीलिया. किसकी हेल्प से होता है? सीलिया. सीलिया आर द स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन. अब जैसे अभी आपने अमीबॉइडल मूवमेंट में देखा ना कि भाई सूडोपोडिया के थ्रू हो रहा था, फॉल्स फीट्स के थ्रू हो रहा था, उसी टाइप से अगर आप सीलियरी मूवमेंट देखो तो इट विल अकर विद द हेल्प ऑफ सीलिया. सीलिया की हेल्प से होगा. सीलिया क्या होते हैं? सीलिया आर द स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन. ये जो आपको हेयर लाइक आउटग्रोथ्स दिख रही हैं, दे आर नोन एज सीलिया. एग्जाम्पल, सीलिया इन ट्रेकिया टू रिमूव फॉरन सब्सटेंस एंड ओविडक्ट्स फॉर पैसेज ऑफ ओबा. अब हमारी बॉडी में सीलिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो भी हमारी ट्रेकिया की सेल्स हैं. ट्रेकिया जानते हो ना, पढ़ लिया है ट्रेकिया तो आपको ये नहीं बोले कि ट्रेकिया क्या होता है. ट्रेकिया इज द विंड पाइप. तो विंड पाइप या ट्रेकिया की जो सेल्स होती हैं उन सेल्स में ये स्मॉल सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. अब क्या करते हैं ये स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर? भाई पहली चीज़ तो अगर हमने इनहेलेशन किया और एयर हमारी बॉडी में गई और उस एयर में कोई भी डस्ट पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल, कोई बैक्टीरिया कुछ भी प्रेजेंट हैं, तो ये जो हेयर्स हैं इन ओवर द सरफेस ऑफ द सेल, दे जस्ट ट्राई टू कैप्चर दैट फॉरेन पार्टिकल. उस फॉरेन पार्टिकल को पकड़ के रख लेते हैं और उसको लंग्स तक नहीं जाने देते. अगर वो पर्टिकुलर पार्टिकल लंग्स तक पहुंचा तो क्या होगा भाई? फॉर श्योर दैट पार्टिकल विल गोना इन्फेक्ट द लंग्स. वो लंग्स में जाके इन्फेक्शन कॉज करेगा. लेकिन ये जो हेयर्स हैं ये उसको पकड़ ले रहे हैं और उसको लंग्स तक पहुंचने ही नहीं दे रहे. ठीक है ओके समझ में आई बात. और कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर? लाइक इन द ओविडक्ट्स. फीमेल में जो फेलोपियन ट्यूब होता है ना, फेलोपियन ट्यूब में भी ऐसे वाले ही सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें हेयर्स होते हैं. अब उससे क्या होता है? उससे ये होता है जब ओवरी से एग रिलीज हुआ तो ओवरी से एग को रिलीज होके कहाँ तक आना है? यूट्रस तक आना है. तो अब कैसे आएगा? तो वो हेयर्स का मूवमेंट होता है जिसके कारण जो ओवम है और एग जो है उसका हेयर्स के मूवमेंट के कारण जो एग है वो आगे बढ़ पाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पाता है और फाइनली कहाँ तक आ जाता है? यूट्रस तक आ जाता है. ठीक है ओके क्लियर. चलो सो आपने दो टाइप के मूवमेंट देख लिए. थर्ड टाइप का मूवमेंट देखते हैं, मस्कुलर मूवमेंट. तो हम सब में जो होता है इट अकर्स बाय मसल्स. जो हमारी बॉडी की मसल्स हैं वो जो मूवमेंट करती हैं दैट इज़ द मस्कुलर मूवमेंट, जिसके कारण आपकी बोन्स भी मूव कर, मतलब बोन्स मूव नहीं करती बट बोन्स आर द स्ट्रक्चर जिससे मसल्स अटैच होती हैं. तो मसल्स मूव करती हैं जिसके कारण आप वॉक कर पाते हो, स्विम कर पाते हो, और क्या कर पाते हो? रन कर पाते हो, जंप कर पाते हो, डांस कर पाते हो. तो ऑल दिस बिकॉज ऑफ द मस्कुलर मूवमेंट. तो मूवमेंट्स ऑफ लिम्स, टंग, जॉ, जो भी मूवमेंट हो रहा है, अगर कोई बोन भी आपको ऐसा लग रहा है हाँ ये बोन मूव कर रही है, तो वो बोन नहीं मूव करती बल्कि द मसल्स अटैच टू इट दे आर इनेबलिंग द मूवमेंट. ओके क्लियर. चलो लास्ट टाइप ऑफ मूवमेंट इज द फ्लैजुलर मूवमेंट. तो फ्लैजुलर मूवमेंट क्या होगा भाई? फ्लैजुला होगा, लॉन्ग फ्लैजुला. तो आप जानते हो फ्लैजुलर मूवमेंट किस में होता है? फ्लैजुलर मूवमेंट इज इन द स्पर्म्स. स्पर्म में प्रेजेंट होता है एक लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर. तो टेल लाइक स्ट्रक्चर उसको एक फ्लैजुला आप मान सकते हो, और वो टेल के थ्रू मूव करके जो स्पर्म है वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक तक पहुंचता है. इट फ्लैजुलर मूवमेंट हेल्प्स इन स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस एंड इन द लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोअन्स लाइक यूग्लीना. तो अब भाई फ्लैजुलर मूवमेंट की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में तो स्पर्मेटोजोआ में होता है फ्लैजुलर मूवमेंट. बाकी कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक द पॉरीफेरा और द प्रोटोजोअन्स, दे ऑल्सो हैव लाइक द प्रोटोजोअन्स लाइक द यूग्लीना, दे ऑल्सो हैव दिस फ्लैजुला विच हेल्प्स इन द मूवमेंट. ओके सो हमने आज क्या पढ़ा? हमने अभी आज इस वीडियो में सिंपली समझा व्हाट इज लोकोमोशन, व्हाट इज मूवमेंट, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट दैट आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी. ओके समझ आ गई कहानी? सो दैट इज इट फॉर टुडे, है ना. अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट है, अभी बहुत शुरुआत का टॉपिक था, अब आगे हम बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे. तो अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आया, मतलब इतने से सेक्शन में, तो भाई पूछ लो. और अगर सबको समझ में आ गया, अच्छा भी लग गया, तो फिर जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.